इस एक्टर के साथ रवीना टंडन ने कर ली थी गुपचुप सगाई। शादी से पहले ही बनी दो बच्चों की मां। टिप टिप बरसा पानी गाने पर पानी में आग लगाने वाली एक्ट्रेस रवीना टंडन 26 अक्टूबर को 44वां जन्मदिन मनाएंगी। रवीना सफल अभिनेत्री होने के साथ साथ मॉडल और प्रोड्यूसर भी हैं। रवीना को बॉलीवुड में 27 साल हो चुके हैं। इतने अरसों के बाद भी रवीना का चार्म आज भी लोगों के जहन में उतना ही है जितना कि पहले था। रवीना की फिल्में जितनी चर्चा का विषय रही उतना ही उनका अक्षय कुमार के साथ अफेयर। तो चलिए आज आपको रवीना और अक्षय की लव स्टोरी के बारे में बताते हैं जो अधूरी रह गई। एक वक्त ऐसा था जब बला की खूबसूरत रवीना टंडन का दिल अक्षय कुमार के लिए धड़कता था। कहा जाता है कि इन दोनों के प्यार की शुरुआत साल 1994 में रिलीज फिल्म मोहरा की शूटिंग के दौरान से हुई थी। यह फिल्म तो सुपरहिट रही और इन दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को खूब पसंद किया गया था, जिसकी एक वजह इन दोनों की नजदीकियों को बताया गया। इस फिल्म के बाद दोनों को एक साथ कई मौतों पर हाथ में हाथ थामे देखा गया। यहां तक कि ऐसी भी खबरें आने लगी थीं कि यह दोनों किसी भी वक्त शादी की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। कहा जाता है कि रवीना ने एक वक्त पर फिल्म साइन करना भी बंद कर दिया था। रवीना के इस कदम के पीछे की वजह अक्षय को बताया गया। कहा जाता है कि अक्षय चाहते थे कि वे हाउसवाइफ रहें। 1999 में स्टारडस्ट को दिए गए इंटरव्यू में रवीना ने कहा था, डैश अक्षय ने कहा है कि फिल्म का आखिरी शूट खत्म होते ही वे उनसे शादी कर लेंगे। इस इंटरव्यू के दौरान रवीना ने यह भी कहा था कि अक्षय और उन्होंने मंदिर में जाकर चुपके से सगाई भी कर ली है। रवीना टंडन के अनुसार डैश अक्षय को इस बात का डर था कि अगर सगाई की खबर बाहर आ जाएगी तो उनके करियर पर खराब असर पड़ सकता है, यहां तक कि महिला फैंस पर भी। उस वक्त ऐसी खबरें आने लगी कि अक्षय रवीना के साथ साथ शिल्पा शेट्टी को भी डेट कर रहे हैं। रवीना बहुत परेशान हो गई थी, जिस वजह से उन्होंने अक्षय से रिश्ता तोड़ दिया। इसके बाद रवीना ने अनिल थडानी से शादी की। अनिल थडानी की रवीना दूसरी पत्नी है। इन दोनों ने राजस्थान में 22 फरवरी 2004 को शादी कर ली। शादी से पहले ही रवीना टंडन ने दो बेटियों को गोद लिया था, जिनका नाम पूजा और छाया है। शादी के बाद रवीना के अनिल से दो बच्चे हैं, रशा और रणबीर। हालांकि कभी भी रवीना का प्यार अपनी दोनों गोद ली हुई बेटियों के लिए कम नहीं हुआ।